नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही स्पोर्ट चैनल पर। कल आईपीएल का 33वां मैच हैदराबाद वर्सेस सीएसके के बीच में होने वाला है। और बात करें दोनों के बीच में, ये मैच सबसे पहले हैदराबाद में होने वाला है, मतलब हैदराबाद के होम ग्राउंड में। और बात करें दोनों की आईपीएल में पॉइंट्स टेबल, बात करें तो सीएसके टॉप पर बने हुए हैं दोस्तों। 8 मैच खेलकर वहीं 7 विन की और मात्र 1 लॉस की है दोस्तों। और बात करें हैदराबाद, लगातार 3 मैच हार के आ रही है दोस्तों, लगातार 3 मैच हार के आ रही है, और सीएसके अपना लगातार 3 मैच विन के आ रही है। तो बात कर लें, हैदराबाद तो काफ़ी पीछे चल रही है पॉइंट टेबल में, छठे पैदान पर है और 3 मैच लगातार हार के आ रही है। आप देख सकते हैं 7 मैच में 3 विन की और 4 हारी है दोस्तों, 4 लॉस की हैदराबाद ने। मैं आपको इस वीडियो में प्ले स्पोर्ट की टीम दूंगा, जो प्ले स्पोर्ट काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, और उसके बारे में बाद में बात करूँगा और ड्रीम इलेवन टीम दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में और स्पीच के रिकॉर्ड्स और दोनों की प्ले इलेवन क्या हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रीव्यू बात कर लेते हैं इस ग्राउंड में, इस आईपीएल में क्या क्या हुआ है हैदराबाद ग्राउंड में। तो यहाँ टोटल 4 मैच अभी तक हो चुके हैं, जिसमें हैदराबाद ने सिर्फ 2 ही विन किया है, राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध एंड आरसीबी के विरुद्ध। बाकी 2 मैच जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ था मैच, दोनों में हार गई दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं पहला मैच जो राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच में हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच था। राजस्थान रॉयल्स 198 रन मारे थे 2 विकेट होकर। इस मैच में सैमसन ने 100 मारा था और इस हैदराबाद आराम से 201 रन मार दी थी, 5 विकेट होकर 201 रन मार के विन कर ली। दूसरा मैच भी काफ़ी हाई स्कोर रहा, इसमें इनके दोनों टॉप ऑर्डर ब्रेसो और डेविड वार्नर शतक मारे, 231 रन मारे, 231 रन 2 विकेट होकर। और उसी प्रकार आरसीबी 110 रन 113 रन पर ऑल आउट हो गई दोस्तों, ये मैच हैदराबाद आराम से विन किया। फिर उसके बाद पिच का कंडीशन बदल गया, पूरी तरह बदल गया। आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस ने धाका प्लेयर है इनके, मुंबई इंडियंस के हीटर है हार्दिक पांड्या, किलोन पोलार्ड, रोहित शर्मा, फिर भी 136 ही रन गया। फिर इस 7 विकेट गिरे और हैदराबाद इसमें 97 पर ऑल आउट हो गई। ठीक है, मतलब पूरा पिच ही कंडीशन चेंज हो गया, पूरा बॉलर को हेल्प करने लगा। 7 विकेट 10 विकेट, एक ही मैच 17 विकेट, और उससे पहले 2 मैच थे देख सकते हैं, 2 विकेट 5 विकेट, बहुत ही कम विकेट गिर रहे थे, मतलब अब बॉलिंग को ज़्यादा बॉलर को हेल्प कर रही थी। और आप देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने जो पिछला मैच लास्ट हुआ दिल्ली कैपिटल बीच में हुआ था इस ग्राउंड पर, दिल्ली कैपिटल 155 पर 7 विकेट खोकर बनाई थी और हैदराबाद 116 पर फिर ऑल आउट हो गए दोस्तों। तो मैंने पिच कंडीशन पूरी तरह बदल गया, बॉलर को हेल्प कर रहा है, तो आप ज़्यादा बॉलर को पिक कर सकते हैं, कम बैट्समैन को पिक कीजिएगा। तो टोटल मैच 4 हुए हैं और उसमें से टोटल रन आप देख सकते हैं 1246 एंड विकेट दीर्पन एवरेज 155 बैटिंग का और बॉलिंग का 6 से 7 विकेट पर मैच का है। चलिए बात करते हैं दोनों की प्ले इलेवन क्या हो सकती है, इम्पोर्टेंट बात है कुछ। तो आप देख सकते हैं शेन वाटसन 8 मैच खेल चुके, 111 रन मारे हैं, मुझे लगता है इनको ड्रॉप करना चाहिए और सैम विलियम्स को वापस लाना चाहिए। तो इनको जो मेरे ख्याल से अब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, 5 WD अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 मैच में 128 रन मारे हैं। एंड रैना वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 8 मैच में 194 रन मारे हैं, पिछले मैच काफ़ी अच्छे पारी भी खेली दोस्तों। एंड राइडू 8 मैच में 138 पारी खेली थी। एमएस धोनी अपने ग्राउंड में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, पिछले मैच में आप जैसे 8 मैच में 230 रन मारे, अभी जादो 8 मैच 142 रन मारे। मुझे लगता है एक और ख़ास बात है दोस्तों, कल की न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, हरभजन सिंह और एक और प्लेयर है, हरभजन सिंह इंजर्ड है, वो नहीं खेलेंगे, इसलिए मिस्टर सेंडो खिलाया जा रहा है उनके बदले। मिस्टर सेंडो ने 3 मैच में 3 विकेट भी निकाले हैं, अगर मिसेस सेटने नहीं खेलते स्क्वाड को खिलाया जा सकता है। ये देखा जाएगा कि पिच कैसी है, और स्पिनर को हेल्प कर रही है या फास्ट बॉलर को हेल्प कर रही है, इसके हिसाब से दोनों में किसी को खिलाया जाएगा। और फिर रविंद्र जडेजा 8 मैच में 4 विकेट ले चुके, 55 रन भी मारे हैं। शाहरुख ठाकुर दीपक चौर ताये, ये जो 3 मेन बॉलर हैं चेन्नई के, काफ़ी अच्छे फॉर्म में दोस्तों, 8 मैच में चहर ने 10 विकेट ले चुके हैं और 8 मैच में ताहिर ने 13 विकेट ले चुके हैं, और उसी प्रकार ठाकुर ने 6 मैच 6 विकेट ले चुके हैं।
मतलब इनके बैटिंग बैटिंग बॉलिंग तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, बैटिंग भी इनकी काफ़ी डेप्थ है दोस्तों। वाटसन है, डुप्लेसी से रहना है, राइडू है, मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ 5 नंबर तक काफ़ी अच्छे बैट्समैन है दोस्तों। तो इसमें टीम बैलेंस है दोस्तों, कोई भी अनबैलेंस नहीं है इसमें, टीम बैलेंस है। बात करें वहीं हैदराबाद की, हैदराबाद टीम पूरी तरह अनबैलेंस है, इनके सिर्फ टॉप ऑर्डर जो बैट्सो और वार्नर ही परफॉर्म कर पा रहे हैं, बाकी इनके मैच में जो कैन विलियमसन कैप्टन है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। 2 मैच में सिर्फ 17 रन मारे हैं, पिछले मैच खेले थे। फिर विजय शंकर अच्छी तरह को भी खेल रहे हैं, और इनके मनीष पांडे रिकी हुई पिछले मैच में ना ही मनीष पांडे खिलाया गया, ना ही उसे पठान खिलाया गया, उनके बदले रिकी हुई खिलाया गया, दीपक हुडा खिलाया गया, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छे आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर राशिद खान 7 मैच 6 विकेट सिर्फ निकाल पाए, भुवनेश्वर कुमार भी 7 मैच 5 विकेट निकाल चुके हैं, एंड पिछला मैच में खिलाया गया था अभिषेक शर्मा को जो 1 विकेट निकाले थे। अब देखिए क्या खिलाया था, 6 मैच में 6 विकेट से ज़्यादा कॉल ने भी लिए थे, ये सब ये पोजीशन वाले रिस्क की है। खलीद अहमद जरूर खेलेंगे, 1 मैच में 3 विकेट निकाले, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा बॉलिंग की, 3 विकेट निकाले थे। और संदीप शर्मा भी काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, 7 मैच में 8 विकेट। इनके सेफ टीम बताऊँगा मैं आपको, सिर्फ प्लेयर कौन हो सकते हैं, तो संदीप शर्मा ये सेफ है, खलीद अहमद कन्फर्म खेलेंगे, एंड भुवनेश्वर कुमार कंफर्म खेलेंगे, और राशिद खान कंफर्म खेलेंगे। ये 4 प्लेयर इधर ऊपर से हुए, ऊपर से इधर से ब्रेसो एंड डेविड वार्नर खेलेंगे, केन विलियमसन खेलेंगे, विजय शंकर खेलेंगे, बाकी ये 4-8 प्लेयर पूरी तरह सेफ है, आप इन्हीं से पिक कीजिएगा। बाकी ये सब जो 5 ये पैदान और ये पैदान और ये रिस्की है दोस्तों, किन्हीं को मत पिक कीजिएगा। ऐसे प्लेन में तो मिल जाती है, लेकिन मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसमें प्लेन उस एप्लीकेशन के लिए बात कर रहा हूँ जिसमें प्लेन नहीं पता चलेगी, तो उसकी आपको इसलिए आपको न्यूज़ पता होना चाहिए कौन प्लेयर खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं प्ले स्पॉट टीम की। तो दोस्तों प्ले स्पॉट एक ऐसा ऐप है आपको 100 रुपीज़ फ्री खेलने दे रहा है, कैसे देगा, जब आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करके साइन अप कीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ फ्री खेलने के लिए मिलेगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, और मैं रेफरल कोड भी दिया हुआ है, ऐसे में रेफरल कोड है कूल 1776, ये है मैं रेफरल कोड दोस्तों। एक और खास बात एक और है कि आपको 100% बोनस भी यूजेबल है, अगर आप पास कितने बोनस है, मान लीजिए आप 1000 रुपीज़ बोनस आपके पास है, अगर आप कोई भी लीग ज्वाइन कीजिएगा या अपने आप पहले 1000 रुपीज़ ख़त्म करेगा, एक आप चाहे एक मैच में एक ही लीग में 1000 रुपीज़ का पैसे वाले लीग लगा सकते हैं, क्योंकि 100% बोनस यूजेबल है। और कोई भी लीग में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग जो भी 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर और जितने मेंबर लीग होती है किसी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब में 100% बोनस यूजेबल, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं जो 100% बोनस यूज़ करने देता है। बोनस का फ़ायदा काफ़ी अहमियत है दोस्तों, सबसे पहले टाइम टू टाइम बोनस देता है, अगर आपको कभी मैच लॉस भी होता है लॉस होता है तो ये बोनस ही कवर कर देता है, और ये बोनस 100% यूज भी करने देता है। और ड्रीम इलेवन जैसे नहीं, उन्हें 10% ही पर मैच यूज़ करने देता है, काफ़ी मेरे ड्रीम इलेवन में मैं 6000 बोनस खा लिए, मुझे 15000 बोनस मिले थे ड्रीम इलेवन में जो मैं यूज़ नहीं कर पाया वही 3 मंथ में, मुझे 6000 मेरे बच गए बोनस, और 3 मिनट टाइम ओवर हो गए, मेरे पे 6000 पैसे चले गए। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाया था, मैं अपने ईमेल आया था मेरा उसका। तो दोस्तों बोनस के आपको यूज़ का मिलता है टाइम टू टाइम, जिसमें आप ये खेल सकते हैं। और आपको एक और ख़ास बात है, ये एक दो दो लीग खेलवाता है, जैसे ये मैच है 20 घंटे बाद डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, 20 घंटे 32 मिनट, जैसे ही ये डेडलाइन ख़त्म होगी टॉस से मात्र 10 मिनट पहले डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, इसमें आपको प्लेन लो नहीं पता चल पाएगी। जैसे ये ख़त्म होगी एक और इसी मैच की एक और लीग यहाँ आ जाएगी, इसमें आपको टॉस के बाद प्लेन मिल जाएगी, इसमें उसके हिसाब से आप टीम एडिट कर सकते हैं। दो दो मैच खिलवाता है, आप कल की विनिंग में देख लीजिए मेरी, कल जो मैं आपकी टीम दी थी बेंगलोर बाय मुंबई की, तब से मैंने 2 लीग ज्वाइन की थी, दोनों आराम से विन किया, 150 मिला एक, 299 का 777 मिला। अभी भी एक लीग चल रही है लीग राजस्थान बचे पुणे की, तो देखो देखें दोस्तों 2 मैच इसमें मैंने ज्वाइन किया है, 88 का 299 वाली, एक में 1 चल रही है, एक में 2 चल रही है, अभी मैच चल ही रही है, मैं ख्याल से मैं फिर जीतूँगा विन करूँगा, कल मैं बता दूँगा अपनी वीडियो में विन किया कि नहीं किया। तो चलिए बात टीम की बात कर लेते हैं,
दोस्तों एक और खास बात है कि आपको पेटीएम विड्रो मात्र 5 सेकंड के अंदर में आ जाता है, और बैंक अकाउंट में भी विड्रो 5 सेकंड के अंदर में आ जाता है। उसके लिए एक इंस्टेंट विड्रो का ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, और एक और विड्रो का ऑप्शन है नॉर्मल विड्रो, जो बैंक अकाउंट जो इसमें 1-2 दिन टाइम लगते हैं, इसका भी ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन है दोस्तों, जो आप चाहें वो विड्रो कर सकते हैं पेटीएम में, एक इंस्टेंट विड्रो बैंक अकाउंट में एंड नॉर्मल विड्रो बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों मैंने विकेट की ब्रेसो को पिक किया, आप चाहे धोनी को पिक कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद ग्राउंड है और ब्रेसो ओपनिंग करते हैं, इसलिए मैं के साथ जा रहा हूँ। अगर फ्लॉप हो गए तो आप जिसने धोनी को पिक किया है वही विन करेगा। बात कर रहे हैं ऑलराउंडर, मैंने जडेजा को पिक किया, विजय शंकर को पिक किया। ऐसे विजय शंकर तो बॉलिंग तो नहीं करते, लेकिन 4 नंबर बैटिंग करना था, कभी ऐसे बॉलिंग कर रहे बैटिंग करते हैं। बाकी डैनी ब्रो अभी तक इंजर्ड है और हरभजन सिंह भी इंजर्ड है, तो दोनों पिक करने करना है। अगर कोई भी नहीं जाती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो स्पोर्ट्स चैनल के नाम से है आप सर्च कीजिएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ न्यूज़, और फाइनल अपडेटेड टीम भी वहाँ दे देता हूँ। बाकी आप देखिए अभिषेक शर्मा खेलते कि नहीं खेलते। मैंने बॉलर में पिक किया दीपक चौहर को, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में, लाता 10 विकेट ले चुके हैं, टायर भी 13 विकेट ले चुके हैं, फिर खलील अहमद कन्फर्म खेलेंगे 3 विकेट ले चुके पिछले मैच में, फिर संदीप शर्मा मैंने इनको पिक किया। आप संदीप शर्मा को नहीं लेना चाहिए, आप राशिद खान को ले सकते हैं, जो आपको तो कभी बैटिंग भी कभी अच्छे करते हैं, कंसिस्टेंट एक ना विकेट ले ही लेते हैं हर एक मैच में, एक विकेट आराम से एक विकेट ले लेते हैं। आप चाहे संदीप शर्मा के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 10 क्रेडिट ऐसे में बचे हुए हैं। फिर यहाँ से कुछ कॉल है, ठाकुर है, इनको पिक कर सकते हैं। बाकी और कोई भुवनेश्वर कुमार है, अब इनको पिक कर सकते हैं। बैट्समैन मैंने डेविड वार्नर को पिक किया है, डुप्लेसिस को पिक किया, केन विलियमसन को पिक किया एंड यहाँ सुरेश रैना को पिक किया। आप देख सकते हो मैंने शेन वाटसन को, जो रिस्की हो सकती है इसलिए मैं इनको नहीं पिक कर रहा हूँ, आप चाहे पिक करना चाहे कर सकते हैं, कि नहीं कि कोई बॉलर को ड्रॉप करके क्रेडिट कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर सकते हैं। कैप्टन बात करें तो कैप्टन में रहेंगे डेविड वार्नर, वाइस कैप्टन रहेंगे मैंने डुप्लेसिस। दोस्तों आप चाहे केन विलियमसन, सुरेश रैना को मना सकते, सुरेश रैना का पिछले मैच काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया, फिर मैं डुप्लेसिस रहेंगे, ये सेव कर लिया। तो दोस्तों मेरा नेट स्लो हो गया है, मेरी टीम ही प्लेसमेंट में ड्रीम इलेवन में यही टीम रहेगी दोस्तों, सेम टीम आप देख सकते हैं। अब ब्रेसो है, जडेजा है, विजय शंकर है, दीपक चौहान है, इमरान ताहिर है, खलील अहमद है एंड राशिद खान है, वार्नर है, फाफ डुप्लेसिस, केन विलियमसन, सुरेश रैना। कैप्टन सेम वार्नर रहेंगे, वाइस कैप्टन सेम डुप्लेसिस रहेंगे, और मैं फाइनल टीम अपनी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा टॉस के बाद जो प्लेम आ जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इतना न्यूज़ इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर दें, इससे आपको ये फायदा होगा कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको न्यूज़ मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार प्लेस पर ट्राई कर जरूर खेलिए, काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, लेकिन मनी काफ़ी अच्छा ऐप है। और मैं हमेशा 500 रुपीज़ का पेटीएम कॉन्टेस्ट करवाता हूँ जी दोस्तों, 500 रुपीज़ का पेटीएम अपनी ओर से। तो ये 500 रुपये का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना होगा, जवाब ये है कि डेविड वार्नर प्लेस पर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से दोस्तों, प्लेस पर का पॉइंट काफ़ी अलग है ड्रीम इलेवन से, काफ़ी अच्छा भी है, आप चेक कर सकते हैं उसके हिसाब से कितने पॉइंट इस मैच में लेंगे। जो भाई सही जवाब देंगे कमेंट में मैच स्टार्ट होने से पहले, तो मैं उनको अपने ओर से 500 रुपीज़ का पेटीएम करूँगा फ्री गिव अवे कर रहा 500 रुपीज़ का। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद लाइक करें जरूर करें, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।